हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हैं एवं सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए डेली बेसिस पे यह जीएस की एक प्रश्न श्रृंखला लेकर आए हुए हैं, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें अभी तक आपको मिसलेनियस क्वेश्चन दिए जाते थे कि जीएस के जो भी टॉपिक हैं तो साथ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी को मिला दिया जाता था। बट आज से इसका ट्रेंड बदल दिया जा रहा है, जिसमें आपको ये जैसे आज का टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी है, तो आपको जो डेली क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उसमें अब आपको टॉपिक के हिसाब से दिए जाएंगे। जैसे आज ज्योग्राफी का किया, कल हिस्ट्री का हुआ, फिर पॉलिटी का हुआ, फिर इकोनॉमी का हुआ, तो ये रैंडम अल्टरनेट डे मतलब कि चेंज होता रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपके एक जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपने ज्योग्राफी पढ़ा तो आप ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे श्रृंखला आज इसमें कुछ फॉर्मेट को चेंज किया गया। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी और हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे उनकी पीडीएफ मिलेगी। और इसके पहले जो आपके डे 5 तक के जितने भी श्रृंखला थी उसको दिया गया है, उसके भी पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल होगी। और आपको एक बात बता दें कि इसमें प्रश्न को जो श्रृंखला है इसमें टोटल आपको डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन के अंतर्गत इसकी आपकी व्याख्या भी साथ में दी जा रही है। तो ये व्याख्या एक एक तरीके से होगी कि आपका एक टॉपिक है, एक टॉपिक अगर आपने कवर किया है तो एक टॉपिक के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं तो आपके इसी क्वेश्चन में ही कवर हो जाएंगे। तो मतलब कि आपने 10 क्वेश्चन किए हैं तो आपके 10 टॉपिक कवर होंगे। तो आपका डेली आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया जा रहा है, आपके 15 मिनट के अंतर्गत 15 से 16 मिनट में आपका ये जो 10 क्वेश्चन की श्रृंखला प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें 10 क्वेश्चन नहीं माना कि 10 टॉपिक, कि आपके एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी संपूर्ण व्याख्या है उनको भी कवर किया जाएगा, जे ताकि डेली बेसिस पे आपके धीरे धीरे करके 10-10 टॉपिक कवर होंगे। तो आपके एग्ज़ाम जो भी आगामी एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। इसकी लंबाई भारतीय भूभाग की, और जो कि पश्चिम से पूर्व तक की बताई गई है, तो आपको बताना है कि यह उत्तर से दक्षिण तक इसकी कितनी होगी। तो आपको इसमें पूर्व से पश्चिम की तो बता दी, मतलब कि ईस्ट से वेस्ट तक की तो बता दी इसकी, लेकिन अभी आपको बताना है नॉर्थ टू साउथ की क्या इसकी लंबाई रही है। तो ऑप्शन ए दिया गया है 3234 किलोमीटर, ऑप्शन बी दिया गया है 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी दिया गया है 2500 किलोमीटर और ऑप्शन डी दिया गया है 3000 किलोमीटर। तो इसके अंतर्गत आपको सोचना है कि आपकी कौन सा इनमें से कथन सही होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा वह ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसकी जो लंबाई है आपकी ईस्ट टू वेस्ट तो आपकी आती है कितनी 29933 किलोमीटर, और आपकी ई नॉर्थ टू साउथ जो आती है वह 3214 किलोमीटर आती है। तो इस तरीके से इसकी ये लंबाई है 2933 और ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर होती है। तो इसी के साथ ही आपका ऑप्शन ए बी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल जो है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो कितना क्षेत्रफल है, 32,87,263 किलोमीटर है, और जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है तो आपको बताना है। तो इसमें आपको एक क्षेत्रफल तो बता दिया है, तो अगर आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन बन रहा है कि आपके एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें क्षेत्रफल तो आपका दे दिया है, अब आपको कितना इसका क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है इसके साथ 2.43 किलोमीटर परसेंट, ऑप्शन बी दिया गया है 2.30%, ऑप्शन सी दिया गया है 3.00% और ऑप्शन डी दिया गया है 2.45%। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन ए होगा कि इसका जो क्षेत्रफल है वह 2.43
43% होता है। तो इस तरीके से ये आता है। चलिए तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के, मतलब कि भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% होता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पर आता है। तो भारत की विश्व में कौन सी रैंक है? 7वें नंबर की है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका पहले नंबर पर आता है रूस, फिर आता है कनाडा, फिर उसके बाद चीन, चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद भारत आता है। तो 7वें नंबर पर आपका भारत देश आता है। तो इससे रिलेटेड आपका देखा जाए तो इसमें भी आपके 3-4 क्वेश्चन रेडी होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि वर्तमान में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन बी दिया गया है 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन सी दिया गया है 29 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। और ऑप्शन डी दिया गया है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसके अंतर्गत बताना है कि आपके कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि अभी प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में काफ़ी संशोधन भी हुए, संशोधन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रेजेंट में क्या स्थिति है। तो एक तरीके से देखा जाए तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो इसके अंतर्गत व्याख्या देख लेते हैं कि भारत जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें हमारे निकटतम पड़ोसी देश जो है उसमें आते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश आते हैं। नेपाल और भूटान के अंतर्गत देखा जाए तो यह है एक तरीके से भारत और चीन के मध्य अंतस्थ यानी कि बफर स्टेट है। और यह श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, जो कि हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा भारत के मुख्य भूमि से पृथक होता है। आदम ब्रिज तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है और पाम्बन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। पाम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है और वह आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो इस तरीके से इंडिया की ये लोकेलिटी है कि आप जैसे ये आपका बीच में बीच इंडिया है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन इसके सराउंडेड जो देश हैं उनके बारे में बात की जाए तो सराउंडेड देश में आते हैं आपके कौन कौन से देश आते हैं? आपके आते हैं पड़ोसी देशों के अंतर्गत पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और आपका म्यांमार तथा बांग्लादेश आता है। जो ऊपर आपका नेपाल और भूटान है वह भारत और चीन के मध्य एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, जो कि बफर स्टेट के अंतर्गत। श्रीलंका जो कि आपका साउथ में है वह भारत का एक पड़ोसी देश है, जो कि हिंद महासागर से पाक जल संधि से अलग होता है। और आदम ब्रिज जो है वह तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। और आदम ब्रिज जो है वह पम्बन द्वीप का हिस्सा है और पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है और वह आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी तथा दक्षिण की पाक की खाड़ी स्थित है। तो ये आपकी इस तरीके की व्याख्या है। इस तरीके की व्याख्या के अंतर्गत देखा जाए तो आपकी प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि ये बफर स्टेट के संदर्भ में हुआ, पड़ोसी देशों के संदर्भ में कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और भारत और चीन के मध्य कौन सा जो देश है वह बफर स्टेट के तौर पर कार्य करता है, और जो हिंद मतलब कि पाक जल संधि कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि मतलब कि जो पृथक करती है वह कौन सी जल संधि है, और जो आपका जो आदम ब्रिज है उससे रिलेटेड जो कि पाक के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है कि आदम ब्रिज किस द्वीप पर स्थित है, तो भाई आपका पम्बन द्वीप पर स्थित है। और पम्बन द्वीप पर क्या है? आपका रामेश्वरम है, जो कि चौथा आपका चार जो तीर्थ है उनमें से ये चौथा रामेश्वरम आता है, जिसमें बद्रीनाथ और आपका जो नॉर्थ में है, ईस्ट में आपका पुरी आता है और वेस्ट में द्वारका और आपका साउथ में रामेश्वरम आता है। तो वो आपका रामेश्वरम भी यहाँ पर स्थित है और ये उत्तर में पाक की खाड़ी तथा आदम ब्रिज के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो इस तरीके से इसकी उपरोक्त व्याख्या है, जिसमें एक क्वेश्चन के अंतर्गत आपको सभी की एक रूपरेखा का एक बेसिक सा नॉलेज मिल गया है। अब आता है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जिसमें हमारा
हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सूची एक और दो को सुमेलित करके बताना है। सूची एक जो कहती है कि इसमें पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार और पठारी क्षेत्र के विस्तार और मैदानी क्षेत्र के विस्तार में के अंतर्गत बताए गए, जिसमें सूची एक को सूची दूसरे से सुमेलित करना है उसके संदर्भ में है। तो ये कूट दिए गए हैं, कूट के अंतर्गत दिया गया है। जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया है कि ए पहले का ए होगा, दूसरे का बी होगा, तीसरे का सी होगा, चौथे का डी होगा। ऑप्शन बी के अंतर्गत दिया गया है कि पहले का बी होगा, दूसरे का ए होगा, तीसरे का डी होगा, चौथे का सी होगा। और ऑप्शन सी के अंतर्गत दिया गया है कि पहले का सी होगा, दूसरे का बी होगा और तीसरे का डी होगा और चौथे का ए होगा। और ऑप्शन डी के अंतर्गत दिया गया है कि पहले का डी होगा, दूसरे का ए होगा और तीसरे का सी होगा और चौथे का बी होगा। तो इस तरीके से ये आपकी एक प्रश्नों की श्रृंखला कूट के तौर पर दी गई है। तो अब आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, तो इसको सुमेलित करके देख लेते हैं। तो भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है वह कितना है? पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। पहाड़ी क्षेत्र का जो विस्तार है वह 18.6% है। पठारी क्षेत्र का जो विस्तार है वह 27.7% है, जबकि मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% होता है। तो इस तरीके से एक दूसरे से, मतलब कि पहला का दूसरे से, दूसरे का पहले से, तीसरे का चौथे से, चौथे का तीसरे से, तो इस तरीके से एक दूसरे से सुमेलित है। तो इस तरीके का ये जो दिखाई दे रहा है वो आपका ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो ऑप्शन बी इसके अंतर्गत आता है। तो पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% और मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% होता है। तो इस तरीके से आपके अगर चार चार तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैदानी के क्षेत्र का विस्तार क्या होता है, और आपको तीन चार डिजिट दे दी जाए, तो आपको याद रख लेना ये चार तरीके के विस्तार के कौन सा विस्तार कितना होता है, जिससे आपके चार एक साथ ही क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत आपका पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी कौन हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है बाघ एवं मोर, ऑप्शन बी दिया गया है हाथी एवं मोर, ऑप्शन सी आता है शेर एवं मोर, ऑप्शन डी आता है बाघ एवं कोयल। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें कौन सा आपका उत्तर सही होगा। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें ऑप्शन ए होगा, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी है वह बाघ एवं मोर है। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। लेकिन भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वह हाथी है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, और राष्ट्रीय पुष्प कमल है। तो इसके अंतर्गत इस तरीके की इसके उपरोक्त व्याख्या रहती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है। रूर प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए तो ऑप्शन ए दिया गया है छोटा नागपुर के पठार को, ऑप्शन बी दिया गया है हिमालय पर्वत को, ऑप्शन सी दिया गया है मालवा के पठार को, और ऑप्शन डी दिया गया है बुंदेलखंड के पठार को। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि भारत का रूर प्रदेश जो है छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है, तो चलिए इसके अंतर्गत इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसमें आपका स्पष्ट हो जाएगा कि रूर प्रदेश छोटा नागपुर के पठार को ही क्यों कहा जाता है। तो भारत का जो रूर प्रदेश है वह छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों का विपुल भंडार है, और इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर यहाँ विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की स्थापना हो चुकी है। तो तभी इसे रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों की अपार समृद्धि है, और इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की स्थापना संभव हो चुकी है। तो इसके अंतर्गत आता है, जो कि भारत में एक रूर प्रदेश के तौर पर जाना जाता है। तो ऑप्शन ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी नहीं हैं। तो इसमें से आपकी तीन नदियाँ हैं, लेकिन एक नदियाँ नहीं है, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है सिंधु नदी, ऑप्शन बी दिया गया है सतलज नदी, ऑप्शन सी आता है ब्रह्मपुत्र नदी, और ऑप्शन डी आता है गंगा नदी।
तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपके तिब्बत के मानसरोवर झील से आपकी तीन नदियाँ ही प्रवाहित होती हैं। कौन सा? आपकी सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसमें कौन सी नहीं होगी? वह आपकी गंगा नदी नहीं होगी, क्योंकि वह उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है, ना कि आपके तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली प्रमुख नदियों में सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी 33 भूसन्नति में गिरती हैं, और हिमालय की नदियों में बेसिन में बहुत बड़े हैं और एवं उनके जल ग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर पर स्थित हैं। उदाहरण के लिए गंगा नदी पर जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है, इसके अंतर्गत आता है। तो इसकी यह प्रमुख उपरोक्त व्याख्या होती है, जो कि गंगा नदी यहाँ नहीं है, यहाँ पर आपकी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ होती है, तो ऑप्शन डी होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली मुख्य सहायक नदियों में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है रामगंगा, ऑप्शन बी दिया गया है गोमती, ऑप्शन सी दिया गया है घाघरा, ऑप्शन डी दिया गया है पंचगंगा। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, मतलब कि आपको नहीं बताना है, क्योंकि गंगा के बाएं तट से मिलने वाली नदियों में आती हैं जैसे रामगंगा, गोमती गंगा, घाघरा, और आपकी ये जो पंचगंगा है वह इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि ये जो आपकी गंगा के बाएं तट से मुख्य सहायक नदियाँ जो है वो मिलती हैं, वह पश्चिम से पूर्व के एक क्रम को देखा जाए तो यह पहले नंबर पर रामगंगा, फिर उसके बाद गोमती, इसके बाद घाघरा, फिर गंडक, गंडक के बाद कोशी, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती और महानंदा आते हैं। तो इस तरीके से ये बाएं तट से निकलने वाली जो प्रमुख सहायक नदियाँ होती हैं वह आती हैं। तो गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर है? वह उत्तर प्रदेश में है, जबकि पंचगंगा जो है वह एक तरीके से कृष्णा नदी की सहायक है। तो पंचगंगा का गंगा नदी से कोई लेना देना नहीं है, ना इसके बाएं तट की नदी है, ना ही इसके दाएं तट की नदी है। तो वह पंचगंगा जो है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, मतलब कि गंगा नदी की जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली सहायक नदियाँ आती हैं, जो बाएं तट से मिलती है, जिसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, बूढ़ी गंडक, बागपंदी और महानंदा आती है। तो इस तरीके से ये नदियों का एक क्रम होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में जिस स्थित ज्वालामुखी या उल्कापात द्वारा निर्मित कौन सी झील है? तो आपको बताना है कि जो महाराष्ट्र का बुलढाणा जिला है वहाँ पर जो झील का एक उद्गमन हुआ है तो वह किस रीजन से हुआ है, मतलब कि रीजन तो आपको बता दिया है कि उल्कापात और ज्वालामुखी से हुआ है, और ये आपका कौन सी झील है। इसी तरीके से ये पूछ सकते हैं कि ये झील का नाम दे दिया और ये पूछ दिया गया कि ये किस के द्वारा, किस कौन सी भौगोलिक स्थलाकृति के द्वारा इसमें परिवर्तन हुआ है। तो इस तरीके से आपके दोनों तरीके के ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है रेणुका झील, ऑप्शन बी दिया गया है लोनार झील, ऑप्शन सी दिया गया है सूरजताल झील, और ऑप्शन डी दिया गया है भीमताल झील। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर होगा। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में आपकी लोनार झील स्थित है, जो कि एक ज्वालामुखी यानी कि एक उल्कापात के द्वारा निर्मित है। चलिए तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो व्याख्या के संदर्भ में बात की जाए तो आपकी लोनार झील जो है महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित ज्वालामुखी या उल्कापात द्वारा निर्मित झील है। फिर आती है रेणुका झील, रेणुका झील जो है वह आपकी हिमाचल प्रदेश की सिरमौर जिला स्थित ताजे जल की झील है। तो ये आपकी रेणुका झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में ताजे जल की झील है। फिर सूरजताल झील जो कि हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा लादर्रा के स्थित ताजे जल की झील है। और आपकी आती है भीमताल झील जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित मीठी जल की झील होती है, जिसके केंद्र में एक छोटा द्वीप भी होता है। तो इस तरीके से ये प्रमुख झीलें हैं जिसके संदर्भ में ये प्रमुख उपरोक्त व्याख्या रही है। तो अगर आपकी इन चारों झीलों से रिलेटेड अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या भी पूछा जाता है कि भारत की प्रमुख मीठी झीलें कौन कौन सी है, तो इसमें हर तरीके से देखा जाए तो तीन चार क्वेश्चन के फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं, जो ये इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारी श्रृंखला का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि यह 10वां क्वेश्चन है और आपको 10 क्वेश्चन का ही डेली बेसिस पे टारगेट लेकर चल रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन भी ना हो और आप अपने इन चीज़ों को भी
क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी धीरे धीरे से कर लें, क्योंकि 15 से 20 मिनट में आपका इतना, अगर आप कुछ भी टहल भी रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, तो आप इसको आराम से कवर कर लेंगे। अब आता है, तो विश्व में तैरती द्वीपीय झील जिसे लोकटक झील के नाम से जाना जाता है, भारत के किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया है मिजोरम, ऑप्शन बी दिया गया है उत्तराखंड, ऑप्शन सी दिया गया है मणिपुर, और ऑप्शन डी दिया गया है अरुणाचल प्रदेश। तो इसके अंतर्गत इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन तो होगा सी, क्योंकि विश्व के तैरती द्वीपीय झील जिसे लोकटक झील के नाम से जाना जाता है, भारत के मणिपुर राज्य यानी कि नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में स्थित है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी होगा। तो इसके अंतर्गत व्याख्या की बात की जाए, तो यह लोकटक झील जो है वह उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित है, और यह एक मीठे पानी की झील है। तो आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकटक झील किस तरीके की झील है, मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। तो एक तरीके से देखा जाए तो लोकटक झील जो है वह मीठे पानी की झील है, जहाँ पर कई जल विद्युत केंद्र भी स्थित हैं, और यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है, और इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है, और इस झील पर तैरते हुए घर की फुंडी कहते हैं। तो मतलब कि ये भी इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, या फिर ऐसी कौन सी झील है जहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और जहाँ पर झील पर तैरते हुए घर की फुंडी जो होती है, जिसे इस तरीके से इसको ये कहा जाता है। तो ये इसकी उपरोक्त व्याख्या रही, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में स्थित है। तो ये लोकटक झील के संदर्भ में होता है। तो आज के जो प्रश्नों की श्रृंखला लाई गई थी, वह आपके जो मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी है, तो इंडियन ज्योग्राफी के जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है उनको मतलब कि डेली बेसिस पे बनाया गया। इसी तरीके से आपकी अभी देखा जाए तो इसके अंतर्गत स्टार्टिंग के जो एक दो चैप्टर होते हैं उनको कवर हो गए हैं, इसके आगे के जो चैप्टर हैं वो डेली बेसिस पे आपको कवर कर दिए जाएंगे, और आपका अल्टरनेट डे सब्जेक्ट भी चेंज होता रहेगा। आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसको भी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।